घर से बेगम ने चीनी लाने के लिए भेजा था। रास्ते में आप दोस्त मिल गए तो मैंने सोचा चलो ये आपको अपना घर दिखाते हैं, कश्मीर दिखाते हैं। अभी हम लोग हामिद साहब के साथ हैं जो कश्मीर ओनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। वो एक इवेंट किए हैं टूरिज्म इन कश्मीर को प्रमोट करने के लिए, तो हम उनसे जानते हैं ये इवेंट का पर्पस और क्या करना चाहते हैं। सर, ये इवेंट का पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपके बारे में बताइए। ये एक टूरिज्म प्रमोशन शो है और ये हम हर साल कर रहे हैं। ये दूसरी मर्तबा बेंगलोर में हो रहा है। इसका मकसद यही होता है कि हम जम्मू एंड कश्मीर को प्रमोट करें और टूरिस्टों को वादी की तरफ माइल करें। दिस इज मेन, आई मीन द मकसद जो इस शो का वही है, टूरिज्म प्रमोशन। और यहाँ के लोगों, जो बेंगलोर के लोग हैं, कर्नाटका के लोग हैं, इनको ये बताइए आप आइए जम्मू कश्मीर, आइए, प्लीज़ कम टू पैराडाइज, वहाँ का लुत्फ़ उठाइए और हम आपको स्पेशल डिस्काउंट, सीजनल डिस्काउंट देंगे। क्योंकि कश्मीर जैसी जगह हिंदुस्तान में किसी जगह तो है ही नहीं, वो आपको पता है। लिहाजा हम, क्योंकि जो भी आप टूरिज्म के बारे में, मतलब हमारे पास हाउस बोट्स जो हैं, ये एक यूनिक एंड नॉवल अकोमोडेशन हैं वर्ल्ड में। और इसमें अपर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, इकोनॉमिकल क्लास भी है। टूरिस्ट, कोई भी टूरिस्ट किसी भी कैटेगरी का, किसी भी बजट का वहाँ बैठ सकता है हाउस बोट में, और उनके लिए हम स्पेशल डिस्काउंट भी दे रहे हैं। हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन का ताल्लुक जहाँ तक है, इसमें कम से कम 960 हाउस बोट हैं एंड दे आर इन जितने भी फोर हमारे जो हैं दरिया, जैसे डाल लेक हैं, निगिन लेक हैं, चुनार बाग हैं, दरियाई जहलिम हैं, वहाँ पर ये हाउस बोट्स मुकीम हैं। वो हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन को मेल कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और किस कैटेगरी का आपको रूम चाहिए, कितने तक होना चाहिए, मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो या लोअर क्लास हो, अकॉर्डिंगली वी कैन ऑर्गेनाइज द रूम स्टे फॉर देम। हम यहाँ पर आ गए हैं कर्नाटका स्टेट में सेकंड टाइम फॉर द प्रमोशन ऑफ द टूरिज्म। जे एंड के जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है, बाय द सपोर्ट ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड हाउस बोट ओनर एसोसिएशन जॉइंटली प्रमोटिंग टूरिज्म फॉर जम्मू एंड कश्मीर। और हम यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंस जो हमारे लास्ट ईयर का है, हमने ये रोड शो किया है, इवन TTF में पार्टिसिपेट किया है, हमें अच्छी पॉजिटिव मतलब पब्लिसिटी मिली है। और यहाँ के कर्नाटक के स्टेट से हमारे बहुत सारे ट्रैवल एजेंटों को बिजनेस मिला, जो यहाँ के कर्नाटक के ट्रैवल एजेंट्स हैं उन लोगों ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है। उन लोगों ने मतलब थ्रू कितने भी हमारे से ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके साथ कॉन्टेक्ट करके जो भी उनको पैकेज मिलता है कर्नाटक स्टेट में, वो हमें जेंट के स्टेट वालों को देते हैं और हम वहाँ पर उनको सेवा करते हैं। और इस आज भी हम आए इस साल प्रमोट करने के लिए, हम सबसे और पूरा हिंदुस्तान के जनता से कहते हैं ये भी कि कश्मीर आओ, कश्मीर आपका है, कश्मीर ये हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान में है, और इनका हमें अभी इस टाइम हमें सपोर्ट चाहिए पूरा हिंदुस्तान के जनता से, क्योंकि वो टूरिज्म को वहाँ पर बढ़ावा दे। और वहाँ पर हमारे जो भी अरेंजमेंट से होता है, होटल है, हाउस बोट है, आजकल हम 50% डिस्काउंट देते हैं, 50% डिस्काउंट देते हैं होटल, हाउस बोट्स। हाउस बोट इज़ अ यूनिक
वहाँ पर हमारे जो ट्रांसपोर्टर है या हमारे पास जो होटलर से या हाउस बोट से, सब कोऑपरेटिव है। और एक बार आप ट्राई कर लीजिए, आप आए और बाकी होगी सिचुएशन माशाल्लाह वहाँ पर बहुत सही है। टूरिज्म आप किसी भी दो साल से या मतलब ये भी आप तीन दो महीने से आप किसी भी जगह किसी मीडिया प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रिक मीडिया का आप चेक करें कि किसी मीडिया ने टारगेट किया दिखाया नहीं टूरिस्ट को कोई टारगेट किया जाता। टूरिस्ट इज़ वेरी मच सेफ। हाँ, अब अगर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो, पॉलिटिकली प्रॉब्लम हो, तो माशाल्लाह ठीक हो जाएगी और तो टूरिस्ट को कोई परेशानी नहीं आने का। और हमारे वहाँ जो भी होटलर्स है, हाउस बोट्स है, ट्रांसपोर्टर है, जो उनके कस्टमर के साथ है, वो उनको बहुत ही हेल्पफुल है। क्या वो वहाँ पर अच्छी सेवा करते हैं ताकि पिकअप फ्रॉम एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट जहाँ पर भी उनको जाना होगा डेस्टिनेशन गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, लोकल साइट सीन, वो बहुत ही कोऑपरेटिव है और टूरिस्ट बहुत खुश होकर जाते हैं। और यही उम्मीद है हमें तो ये पूरा कर्नाटक के लोग और कर्नाटक के जो भी ट्रैवल एजेंट्स है उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप पॉजिटिव पब्लिसिटी कर लीजिए और फिर से आप मतलब कश्मीर का जो पैकेज अब लेना चाहते हैं आप ले लीजिए बिना चिंता करके। The first day before the inauguration, Mr. Ibrahim said that you should come one day before and experience our hospitality. And we stayed in Mina houseboats, I still remember. And they say about hospitality, what I experienced for breakfast, I remember, I love apples. And in India or in Bangalore, whenever I buy, I never buy any of these local imported Fiji, Cash, whatever type. I will only ask for the Kashmir or Shimla apples. I am a travel tour operator in the industry for the last 20 years, and through our chapters call, which has got 14 clubs in India, and we have 1,200 members, and we have a chapter in Srinagar which we opened last year. So the intention was to open up the Srinagar chapter to understand how safe it is for people and to the world over, to all our members world over, not in India but to the world over, to the 15,000 members worldwide. It's called through, we are trying to support Kashmir to say that it's the most beautiful place on earth and we should experience the Kashmir hospitality once in your lifetime. The only concern that I had was, I said that we do not know, or at least through the newspapers and through the TV channels, we do not know what the true situation is. And I have been assured by our hosts that the situation in Kashmir is absolutely normal. I once again thank all our hosts from Kashmir and wish their trip a lot of success, and thank you for having me over. कश्मीर एक नाम ही काफ़ी होता था, जब भी हम बात करते थे तो कश्मीर की सियाहत की बात चलती थी, लेकिन आपको पता ही कि कुछ सालों से कश्मीर में हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। कश्मीर गैर मुल्की जो सियाहों में एक मशहूर जगह मानी जाती थी, चाहे वो किसी भी कस्म का जो भी टूरिस्ट हो, वो चाहे लेजर टूरिज़्म पसंद करता हो, एडवेंचर टूरिज्म पसंद करता हो, पिलग्रिमेज टूरिज्म पसंद करता हो, या कश्मीर का जो कल्चर है जो दुनिया भर में मशहूर है वो हो, उसके लिए हर एक किस्म के टूरिस्ट के लिए कश्मीर में अपनी तरह से कुछ न कुछ रहता है, रहता था और रहता रहेगा। लेकिन जो भी कुछ हालात साजगार नहीं रहे, तो उस वजह से हमारी जो टूरिस्ट इनफ्लो है कश्मीर में वो जिस मैार का होना चाहिए था वो नहीं रहा। लेकिन टूरिस्ट सयाह के लिए कभी कश्मीर परेशानी का बायस नहीं रहा है, जब अगर वहाँ कुछ भी रहा, हालात कैसे भी ख़राब हुए हों, लेकिन कश्मीरियों की जो मेहमान नवाजी है वो कभी कम नहीं हुई है। कश्मीरियों के दिल हैं वो यहाँ के जो मुल्की जो सयाह हैं या चाहे गैर मुल्की सयाह हों, वो उनके लिए हमेशा खुले रहे हैं और खुले रहेंगे। ये उसी की कड़ी है कि जो डिपार्टमेंट है हर साल जो मुल्क भर में रोड शोज़ करता है, तो उसी कड़ी में हमने इस बार भी कुछ शहर चुने हैं। तकरीबन हम 15 से 20 रोड शोज़ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं
जो कि अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हमारा जो मेन टूरिस्ट सीज़न है वो स्टार्ट होने वाला है। आज के सीज़न में यहाँ जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो ज़्यादा मतलब सफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ का जो मौसम है वो भी टेम्परेचर ज़्यादा राइज़ नहीं हुआ है, लेकिन आने वाला जो भी जो समर है तो उसके लिए हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हाँ कि हम इस बार जो पोटेंशियल है जो साउथ इंडिया में हमारा जो टूरिस्ट का खासकर कर्नाटक, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ये हमारे पोटेंशियल एरियाज हैं। आई वुड लाइक टू थैंक द चेयरमैन ऑफ द कश्मीर हाउसबोट ओनर्स एसोसिएशन फॉर रीचिंग आउट टू द चीफ फॉर द सेकंड टाइम सर, एंड वी लुक फॉरवर्ड दैट द चीफ फ्रॉम द चीफ साइड वी आर were new here, and to the press that the Chamber of Commerce is a 43-year-old organization with more than 750 members, and this could be a good platform for our members to disseminate this information, how great the Kashmir is. And people from Bangalore are mostly from the different parts of South Karnataka and from North also. We should promote this in a big way, and we are there to support you, sir, in whatever aspects you like to do that. And our president has also briefed about the Kashmir experience, and we all look forward for that. Thank you. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह सुबहाना ताला का, उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इंडियन मीडिया बुक का जो मेरे हर काम में सपोर्टिव रहे हैं, और कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन जो रहा है मेरा बहुत ही ज़बरदस्त फैमिली जैसे हैं, दोस्त जैसे हैं, और इनके लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। और कश्मीर जो जन्नत माना जाता है, और यहाँ का जो प्रोग्राम था हमने पीआर, मीडिया, ऑर्गेनाइजिंग सभी किया, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। कश्मीर टूरिज़्म जो है एक हिंदुस्तान का प्राइड है, कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह पूरी दुनिया में नहीं है। स्विट्ज़रलैंड को जो हम इतना बड़ा चढ़ा कर कहते हैं कि कश्मीर स्विट्ज़रलैंड ऑफ़ द ईस्ट है, मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड कश्मीर ऑफ़ द वेस्ट है। घर से बेगम ने चिन्ह लाने के लिए भेजा था, रास्ते में आप दोस्त मिल गए तो मैंने सोचा चलो ये आपको अपना घर दिखाते हैं, कश्मीर दिखाते हैं। आइए, ठंड बढ़ रही है, आग जलाते हैं। आइए आइए साहिबो साहिबो हाजाई कर नसो साहिबा।